तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने बास्केट के चेन को सर्विस कर सकते हो एट होम। सर्विस इन द सेंस आपको उसके ऊपर का पुराने ग्रीस को हटाना है, दैट इज डीग्रीसिंग, एंड देन यू हैव टू यूज अ ल्यूब। तो इस वाली वीडियो में आपको परफेक्टली बता दूंगा किस तरीके से चेन को ल्यूब करते हैं, एंड ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर आप अपनी चेन को ल्यूब नहीं करते देन लॉन्ग राइड्स आर गोइंग टू हर्ट यू अ बिट। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। एंड बाय द वे, I'm Akshat and I create cycling related videos on YouTube. You can subscribe to my YouTube channel and click the bell icon so that you never miss any update. So I think aapko yeh video kaafi zyada pasand aayega. So hit the like button and get subscribed to our channel. And aapko ek aur baat batana tha, ye jo sare products hain mere ko provide kiya gaya hai from Next Gen Sports Life. You can follow them on Instagram. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड माई इंस्टाग्राम लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। चलिए डायरेक्ट को वीडियो शुरू करते हैं। So here is the package and let's unbox it. So the very first thing we get in the package is a pair of gloves. The second product we get in the package is a bike chain degreaser. And now we have a bike chain wet lube. Now here is some interesting product, that is bike chain dry lube. And now we get a toothbrush for cleaning the chain. This is a hard bristle toothbrush which is good for cleaning. And now we get a microfiber cloth for the final procedure. सो गाइस, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से अपने ड्राइव ट्रेन को एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन करना है। सो यहाँ पे पहले आप देख सकते हो मैंने पानी से थोड़ा सा वेट किया है डस्ट पार्टिकल्स, ताकि लूजन अप हो जाए। यहाँ पे जब सारे डस्ट पार्टिकल लूजन अप हो जाएंगे देन आपको एक ब्रश यूज़ करना है। ये ब्रश पैकेज में मिलता था बट अनबॉक्सिंग के टाइम ये वाला ब्रश मैंने कहीं रख दिया था। सो ऐसा आपको ब्रश देखने को मिलेगा जो कि कैसेट एंड फ्रीव्हील दोनों को काफ़ी ईजिली क्लीन करता है। तो इसे लोगों को पूरा रब करना है ड्राइव ट्रेन के ऊपर, एंड उसके बाद मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ। सो यहाँ पे आफ्टर क्लीनिंग हम लोग को सिंपली वाटर फिर से स्प्रे डाउन करना है, एंड आप नीचे देख पा रहे हो कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है। एंड अब हम लोग को बाइक डीग्रीजर को हर एक कॉम्पोनेंट्स पर लगा देना है, ड्राइव ट्रेन के कॉम्पोनेंट्स पर। थोड़ा ध्यान से लगाना क्योंकि दूसरे साइड डिस्क है, सो डिस्क पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा ध्यान रख के लगाया है, एंड देख लो मैंने किस तरीके से लगा रहा हूँ, कौन कौन से पार्ट्स पे लगा रहा हूँ। सो आफ्टर स्प्रेइंग डीग्रीजर यहाँ पे हम लोग को अच्छी तरीके से फिर से क्लीन कर लेना है उसी ब्रश की मदद से, एंड काफ़ी अच्छे क्लीन हो जाएगा क्योंकि इस बार डीग्रीजर यानी कि ग्रीस भी अलग से निकल जाएगा। एंड अब हम लोग को यहाँ पर अपना हार्ड बेसल वाला ब्रश लेना है, एंड उससे अच्छी तरीके से रबिंग करना है चेन के ऊपर। एंड जितने अच्छे से आप रबिंग करोगे उतना क्रिस्टल क्लियर आपका होगा। मैंने अच्छे से नहीं किया था इसलिए मेरा उतना परफेक्ट नहीं हुआ, बट हाँ बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। जिस अमाउंट में नीचे आप देख सकते हो ग्रीस निकल रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा हमारा ड्राइव ट्रेन गंदा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे, एंड जो फाइनल प्रोसीजर है उसे हम लोग करते हैं, डैट इज़ ड्राइंग। अब हम लोग को इसे ड्राई करना है। ड्राई करने से क्या होगा, इसके बाद हम लोग ईजिली ल्यूब लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे जल्दी से क्विक क्लीनिंग शुरू कर देते हैं, जो लास्ट मिनिमल पार्टिकल्स बचे माइक्रोफाइबर से सब निकल जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से अपने ड्राइव ट्रेन को क्लीन कर लेंगे, एंड यहाँ पर इन सारी चीज़ों का काम अब हुआ ख़त्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरीके के ल्यूब इसमें मिलते थे, बाइक चेन का वेट ल्यूब एंड ड्राई ल्यूब। मैं अभी ड्राई ल्यूब यूज़ करूँगा क्योंकि ड्राई ल्यूब डस्टी कंडीशन के लिए बेस्ट होता है, वेयर एज वेट ल्यूब आपका जब रेनी सीजन होता है उसके लिए बेस्ट होता है क्योंकि वेट ल्यूब थोड़ा सा हैवी ल्यूब होता है। सो यहाँ पर हम लोग आप ड्राई ल्यूब लेंगे, एंड ड्राई ल्यूब को इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप समर्स में यूज़ कर रहे हो देन आपको ड्राई ल्यूब यूज़ करना चाहिए, बट मेक श्योर डैट ड्राई ल्यूब इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे हम लोग को ईच एंड एवरी लिंक पे लगा देना है ड्राई ल्यूब को, काफ़ी अच्छी तरीके से लगाना है, इसके बाद हम लोग का चेन एकदम स्मूथ फंक्शनिंग करेगा।
सो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से ल्यूब लगा दिया है एंड हम लोग को उससे बैक स्टीयर करना है अपने चेन को, मतलब बैक पेडलिंग करना है। सो यहाँ पे अब अच्छी तरीके से चेन में ल्यूब जला जा चुका होगा एंड प्लीज़ गिव अ वीडियो अ लाइक। सो गाइस होप करता हूँ आपको वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो बिलो एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।